प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज हम कक्षा आठवीं के अंदर भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। हमने पहले वर्ग निकालना सीखा, वर्ग में उसी को उसी से गुणा कर दो तो ये वर्ग होता है, और उसका ठीक विपरीत क्या होता है, वर्गमूल। वर्गमूल निकालना, वर्गमूल गुणनखंड विधि के द्वारा भी होता है और भाग विधि के द्वारा। हम आज इसमें भाग विधि के द्वारा सीखेंगे। भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए बहुत ही आसान सा और तरीका है, और ध्यान से आपको समझना है। मान लें कि हम बहुत ही छोटे से उससे लेके चलते हैं, चार। चार को भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना हो तो आप ये देखिए, ऐसी कौन सी संख्या जिसको उसी को उसी से गुणा करें तो चार आ जाए। दो को दो से गुणा करेंगे चार आ जाएगा, यानी चार का वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह है। चार का वर्गमूल बराबर है दो, या आप इसको ये लिख लीजिए, चार का वर्गमूल बराबर है दो। तो चार का वर्गमूल किसके बराबर, दो। मान लिया कि हम थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं। तो अब आप ऐसे भी सोचिए कि उसी को उसी से गुणा करें तो 16 उत्तर आए। किसको किससे गुणा करें, मतलब उसी संख्या को उसी से गुणा करें। दो को दो से किया चार आया, तीन को तीन से किया नौ, चार को चार से करेंगे तो 16। मतलब हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ चार है तो यहाँ भी चार से ही गुणा करनी है, चार चौके 16। तो 16 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह है ऐसे, वर्गमूल बराबर है चार। अब हम एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, तीन उसकी। मान लिया हमने संख्या ले ली 529। भाग विधि के द्वारा गुणनखंड करने हैं तो ध्यान रखिए, भाग विधि के द्वारा गुणनखंड करने के लिए हम दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं और दाईं ओर से दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। जैसे हम भाग करते हैं तो एक एक होती है, यहां दो दो संख्याओं का जोड़ा, लेकिन यहां तीन संख्याएं हैं, पहले आप ये दो रखिए तो ये अकेला रह जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन दाईं ओर से जोड़े बनाने शुरू करने हैं। अब हमने ऐसी संख्या यहां पर रखनी है कि उसी को उसी से गुणा करें। जैसे दो है तो दो को दो से गुणा किया, चार है तो चार को चार से गुणा किया, तीन लेंगे तो तीन को तीन से गुणा करेंगे, वो उस पर भाग जाए या उससे कम रहे। भाग विधि में ऐसे ही करते हैं, या तो पूरा पूरा भाग जाए या उससे क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। अब आप यहां देखिए, दो को अगर दो से गुणा करते हैं तो उत्तर आता है चार। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, जो संख्या यहां लेंगे उसी को उसी से गुणा करनी है, दो एकम दो नहीं करना। दो है तो दो दूनी चार, तीन है तो तीन तिया नौ, चार है तो चार चौके 16, पांच है तो पांच पंजे 25, इस तरह से, मतलब उसी को उसी से। अब यहां अगर दो से लिया दो दूनी चार, तीन लेते तो तीन तिये नौ हो जाता, बड़ा हो जाता इससे, तो इसलिए दो से रखा हमने। अब पांच में से एक घटा, चार घटा दीजिए तो क्या बच गया, एक। और अब आप ये 29 एक साथ इकट्ठा बाहर ले आइए, नीचे ले आइए, मतलब दो दो संख्याएं एक साथ नीचे आएंगी, इसलिए जोड़े बनाए हैं। बस पहली संख्या अकेली रह सकती है, बाकी सबके जोड़े बने। अब आप देखिए, हमने दो को दो से किया, दो दुनी चार, पांच में से चार घटाया एक, 29 नीचे ले आए, क्योंकि भाग में भी इसी तरह नीचे लाते हैं, इसलिए इसको भाग विधि कहते हैं। अब जो यहां पे ऊपर है इसको दो से गुणा करना है, इसको किससे गुणा करना है, दो से, और यहां लिख देना है। दो को दो से गुणा करेंगे तो चार आएगा, ऊपर वाले को दो से गुणा करना है और यहां लिख देना है। अब आपने यहां पे सोचना है कि ऐसी कौन सी संख्या लिखें कि उसी को उसी से गुणा करें तो ये बन जाए। आप देखिए,
एक लिखेंगे तो 41 को एक से करेंगे तो 41 आएगा, नहीं। फिर अगर हम यहाँ दो लिख दें तो दो लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 42 बन जाएगा, दो लिखेंगे तो। और 42 को फिर हमने कितना लिखा यहाँ पे, दो, दो लिखा तो दो से ही गुणा करनी पड़ेगी, 84 हो गया, नहीं बनती बात। हम तीन लिखें तो, यानी कि चार तो है ही हमारे पास, तीन लिख दें यहाँ पे तो गुणा भी कितने से करनी है, तीन से ही, तो 43 को तीन से करो, क्योंकि तीन लिखने पे 43 बन गया, तो तीन से करें, तीन तीन नौ, तीन चौके 12, आ गया पूरा का पूरा। हाँ जी, तो इसका मतलब यहाँ पे तीन आएगा, 129। तो इसका मतलब 529 का जो वर्गमूल निकला, 529 का वर्गमूल बराबर है किस, कितना आया, 23। और कर लेते हैं हम, मान लिया हम ले लेते हैं 625, भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालते हैं, ठीक उसी तरह से दो का जोड़ा बन गया, ये अकेला रह गया। अब आप देखो इसको, दो से करेंगे तो दो दुनी चार, तीन से करेंगे तो तीन तिया नौ, नौ ज्यादा हो जाता है, दो से ही रहेगा ये भी, दो का दो से दो दुनी चार, छः में से चार गया दो, और फिर अगला 25 नीचे आ जाएगा, इसको दो से गुणा करेंगे तो फिर चार बनेगा, और अब इसको किससे गुणा करें, अगर हम एक से करते हैं तो चार के आगे एक लिखेंगे 41 बनेगा, 41 को एक से करेंगे 41 छोटा है, फिर दो लिखते हैं तो 42 बनेगा, 42 को फिर दो से गुणा करनी पड़ेगी, 484, तीन लिखते हैं तो 43 बनेगा, 43 को तीन से गुणा करेंगे, 129, चार लिखते हैं तो 44 बनेगा, 44 को चार से गुणा करेंगे तो 176, पाँच लिखते हैं तो 45 को पाँच से गुणा करेंगे, पाँच पाँचे 25 और पाँच के 20 और दो 22, यही निकल गया, तो इसका मतलब यहाँ पाँच आएगा, और पाँच 225। और वैसे भी हम देखिए आखिरी में पाँच है तो पाँच हमेशा पाँच से ही आता है और किसी से आता ही नहीं, तो पाँच आना चाहिए। चलो हम और आगे करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम एक संख्या लेते हैं 4096, 4096 ये संख्या लेते हैं, तो इसमें हम जोड़े बनाएंगे दो और दो, ये तो दोनों के ही जोड़े बन गए, ठीक है बहुत बढ़िया बात है, दो के हैं चार हैं तो दो दो के दो जोड़े बन गए। अब इसको हम किससे वो करें कि ये या तो इसके ऊपर पूरा जाए या इससे थोड़ा सा कम रहे, जैसे दो को दो से करेंगे तो चार, लेकिन ये तो 40 है, तीन को तीन से करेंगे 9, चार को चार से करेंगे 16, पाँच को पाँच से करेंगे 25, छः को छः से करेंगे 36, सात को सात से करेंगे 49, 49 तो ज़्यादा हो गया 40 से, हमारे पास क्या है 40 है, तो 6 से जाएगा, 6 को 6 का 36, 40 में से 36 गए तो 4 बच गया, और आगे नीचे 96 आ गया, नीचे आ गया 6 को 6 का 36, क्योंकि दो का जोड़ा है ना बेटा, यहाँ तो एक था अब यहाँ दो हो गए हैं तो दो दो का जोड़ा। अब हम इसमें क्या करेंगे, 6 से किया 6 को 6 का 36, 4 आ गया 96 नीचे, अब ऊपर क्या है, ऊपर है 6, उसको किससे गुणा करना है, हर बार वही है दो से गुणा करना है, तो 6 को दो से गुणा करेंगे क्या आएगा 12। अब इसको किससे गुणा करें कि यही आ जाए, और मैं आपको सीधा बता देता हूं, इसको 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4 चौके 16 और 12 चौके 48 और 49, 124 को 4 से करेंगे तो 496 आएगा, तो इसका मतलब 4096 का वर्गमूल जो आया वो क्या आया, वो आया 64। और एक सवाल कर लेते हैं हम, मान लिया कि हम लेते हैं एक सवाल 1296, ये ले लेते हैं 1296 लेते हैं, 1296 इसमें भी दो का जोड़ा, दो का जोड़ा, दो दो के जोड़े बन गए। अब हम यहाँ किससे करें, दो दुनी चार छोटा, तीन तीन नौ,
वो भी 12 से छोटा, 4 चौके 16 बड़ा हो गया, तो 3 3 9 पे ही जाएगा, 3 3 9 12 में से 9 गए 3, आगे क्या नीचे उतारेंगे 96, ऊपर कितना है 3 है, तो 3 का 2 गुणा किसके बराबर हो जाएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा। अब यहाँ किससे करें, ये 6 से करेंगे तो बेटा पूरा पूरा जाएगा 6 6 36 6 36 और 3 39, तो इसका मतलब 1296 का वर्गमूल जो है वो कितना आया 36। इस प्रकार से हमने इस चीज़ को सीखना है और आशा है आपको समझ में आया होगा। आप इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, कल हमें और थोड़ा सा बड़ा करेंगे और हो सकता है दशमलव का भी करें। धन्यवाद।